चुनाव से पहले ही अमित शाह ने बता दिया परिणाम। विपक्ष का सवाल, क्या ईवीएम वोट डालने से पहले ही आ गया परिणाम। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने बताया बीजेपी को मिलेंगे कितने सीट। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। शाह ने ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम तय है कि केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है, और बात मध्य प्रदेश की है तो यहाँ की सभी 29 सीटों पर जीत बीजेपी को ही मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट मिली थी, बीजेपी के हिस्से में 28 सीट आई थी। शाह ने कहा कि 2019 में एक सीट की कसर रह गई थी, लेकिन इस बार वो सीट भी बीजेपी को ही मिलेगी, ये तय दिखाई दे रहा है। शाह के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि 2024 का चुनाव होने में अभी 8-10 महीने का टाइम है। ईवीएम पर तो हम लोग पहले ही सवाल उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे जब तक कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं आएगी, लेकिन अभी तो ये सवाल हो रहा है वोट डालने से पहले शाह चुनाव परिणाम कैसे बता रहे हैं। अभी तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों का सिर्फ एमपी में असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश पर दिखेगा। जीत किसे मिलेगी, उस गठबंधन का उत्साह साफ साफ दिखाई देगा। कांग्रेस जीती तो पूरे इंडिया गठबंधन की जीत मानी जाएगी, तो बीजेपी की जीत को सीधे सीधे पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाएगा। उनकी लोकप्रियता को बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी भुनाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर होगा। वैसे शाह ने इंदौर में ये दावा कर दिया कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिलेगी। शाह ने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार डबल इंजन सरकार के तौर पर मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाएगी। पूरे देश में भाजपा का सबसे अच्छा संगठन मध्य प्रदेश में है, और इसीलिए पार्टी आने वाले चुनाव में आसानी से जीत जाएगी। इस दौरान गृहमंत्री ने इस बात के संकेत भी दिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला 550 साल से टेंट के अंदर विराजमान रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनने का फैसला भी आया और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया, और कुछ ही महीने बाद रामलला की मूर्ति भी मंदिर में स्थापित हो जाएगी। वैसे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा और पीएम मोदी के हाथों से मंदिर का उद्घाटन कराया जाएगा, और इसके बाद मंदिर को आम लोगों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसके मुद्दे क्या होने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। 2018 में 15 महीने के लिए जरूर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन बाकी समय बीजेपी की ही सरकार रही है। 2003 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, तो इसके पीछे उस समय के दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ जनता के बीच जबरदस्त गुस्सा था, जिसने बीजेपी की राह बेहद आसान कर दी थी और कांग्रेस को खरारी शिकस्त मिली थी। 2008 के विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर माना जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस के अभूतपूर्व गुटबाजी दिखाई दी। सुरेश पचौरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो खुद भी सीएम पद के दावेदार बन गए। वो बात अलग है, पचौरी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस गुटबाजी ने कांग्रेस को हरा दिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी का सामना नहीं कर पाई और बुरी तरह से हार गई, लेकिन 2018 में कोई लहर नहीं थी, थोड़ा बहुत असर परिवर्तन का दिखा था, जिसने काम भी किया था। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार भी परिवर्तन की लहर से लड़ना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।